हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज मैं आपके साथ जिमी कांदा की रेसिपी शेयर करूंगी जो सीजी स्टाइल में बनेगा। आप देख सकते हैं मैं कढ़ाई चढ़ा चुकी हूं और अब इसमें तेल डालूंगी। तेल डालने के बाद जिमी कांदा मैंने पहले से ही उबाल के थोड़ा दूर दिखा दिया है और अब मैं इसे फ्राई कर रही हूँ। मैंने पहले से ही मसाले वगैरह सब तैयार करके रख दिया है, मैं उसका वीडियो नहीं बना पाई, सॉरी इसके लिए। इसे थोड़े अच्छे से फ्राई करना है। आप देखिए जैसे मैं वीडियो में फ्राई कर रही हूँ बस वैसे ही करना है। अब मैं टमाटर काट रही हूँ और साथ ही अब मैं मेरे तेल भी गर्म हो गए तो तड़का भी लगा दिया मैंने। इसमें सरसों मेथी जीरा का तड़का लगा के फिर उसके बाद प्याज डाला। प्याज डालने के बाद में जो मैं मसाला पीस के तैयार की थी, लहसुन अदरक जीरा सरसों वगैरह जो पीस के रखी थी मैं, वो डाल ली। वो फ्राई करने के बाद में सारे पीसे हुए मसाले जो थे वो डाल के अब इसे भूंज रही हूँ। और करी पत्ते डालना मैं भूल गई थी तो मैं बाद में डाल दी। वो डालने के बाद फिर मैं टमाटर डाली। टमाटर डाल के सबको फ्राई कर रही हूँ। आप भी बताइएगा कि आप जिमी कांदा की सब्ज़ी कैसे बनाते हैं। मैं इस मसाले को थोड़ा ढककर पकाऊंगी कि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए। और ये जिमी कांदा है, मैं इसे ऐसे फ्राई की हूँ, आप देख सकते हैं। और मेरे मसाले जो हैं वो भून चुके हैं। अब टमाटर भी अच्छी तरीके से गल चुकी है। अब इसमें मैं जो जिमी कांदा मैं तल के रखी थी वो डाल चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। अब इसे मैं थोड़ा सा ढककर और पकाऊंगी। उसके बाद इसमें थोड़ा खटाई डालना है। खटाई में मैं इमली डाली हूँ और या फिर आप दही या मही भी डाल सकते हैं। फिर ये धनिया पत्ती डाल के इसे थोड़ा सा और भूनिए। उसके बाद इसमें पानी डाल के थोड़ा उबाल लें। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और ऐसे रेसिपी जानने के लिए मुझे कमेंट ज़रूर करें। मैं और भी नए वीडियोस शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। मन ज़रूर ट्राई करूँ संगवारी हो एज मसाला जिमी कांदा के सागला, एकदम ज़बरदस्त स्वाद आही एखर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।